भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। दमोह जिले के रेहत थाना अंतर्गत ग्राम बासातारखेड़ा में घटित तिहरे हत्याकांड के आरोपितों में से फरार तीन आरोपितों में से एक आरोपी मोनू प्रजापति को गढ़ा कोटा से पुलिस को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। वहीं पुलिस इस मामले में अन्य दो फरार आरोपियों को सक्रियता के साथ तलाश कर रही है। उल्लेखनीय है कि देशा थाना अंतर्गत ग्राम बासातारखेड़ा में 24 जून को होमगार्ड सैनिक रमेश विश्वकर्मा और उसके भतीजे तथा पुत्र उमेश और विक्की की हत्या हो गई थी। इस हत्याकांड में पुलिस ने जहां यह लोगों के विरुद्ध हत्या एवं हत्या में शामिल षड्यंत्र के मामले में मामला दर्ज किया था, जिसमें अभी तक तीनों आरोपितों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी थी। यहां तीन अन्य आरोपी अभी भी फरार थे। इनमें मुख्य आरोपितों में सजल विश्वकर्मा तथा हत्या के षड्यंत्र में शामिल कॉलोनाइजर आदित्य उर्फ राखी सुरेखा और उनके मैनेजर मीनू प्रजापति की तलाश की जा रही थी, लेकिन मंगलवार को पुलिस को गईकोटा से मैनेजर मोनू प्रजापति को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। मामले में पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने बताया कि इस तिहरे हत्याकांड के फरार तीन आरोपितों में मैनेजर मोनू प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया है। उसे न्यायालय में पेश करने के उपरांत रिमांड लिया जाएगा और उसके बाद पूछताछ की जाएगी। अभी कुछ दिन पूर्व परिजनों के द्वारा एक लिखित आवेदन SP के नाम दिया गया था, जिसमें परिवार को जान का खतरा बताते हुए SP कहां अपने आवेदन के जरिए गुहार लगाई है। रिपोर्ट टीम भारती न्यूज। जी क्या नाम आपका? कैसे आए हैं यहाँ पर? 5 साल में ट्रिपल मर्डर हुआ था। मेरे दो भाई और बड़े पापा जी को गोली मार के हत्या कर दी गई थी 24 तारीख को। आज उनको 1 मंथ हो गया, तो मुझे कॉलिंग द्वारा और अन्य द्वारा धमकियाँ आ रही थी, तो मैं उसी की शिकायत लेके आवेदन लेके SP साहब के पास आया था लिखित। किस प्रकार की धमकी आ रही है? कॉल उठाता हूँ, डायरेक्ट नाम लेके मुझे धमकियाँ आ रही हैं और ये कहने को मिल रहा है कि तुम और बचे हो, अभी तुम बच के रहें। मैंने SP साहब को भी भेज दिया था मैसेज पे, तो वो भी कार्रवाई नंबर ट्रेसिंग पे है और इंस्टाग्राम द्वारा भी मुझे धमकियाँ आ रही हैं ये मैसेज द्वारा, जो मेरे भाई की ID बना के मुझे मैसेज द्वारा धमकियाँ आ रही हैं और ये नंबर द्वारा आई थी जिसकी फोटो लाया। तो मुझे अन्य द्वारा धमकियाँ लगातार आ रही हैं। कि आपको क्या लगता है कौन दे रहा है धमकी? जो आरोपी हैं, जो अभी फरार बने हुए हैं, वो ही धमकी दे रहे हैं। ये उनका लड़का है, उसका लड़का है, उसने मेरी स्टोरी चीन की। किसका लड़का है? रॉकी सुरेखा। अच्छा। इसके 15 मिनट बाद मेरे पास जस्ट कॉल आया और तुरंत गालियाँ देने लगा, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। फिर मैं दूसरी कॉलिंग उसकी रिकॉर्ड, FIR क्रमांक 154 CRPC धारा है, इससे तहत मामला दर्ज हुआ था उन पर, जिस पे धारा लगी थी 302, 120 बी और 307 धारा लगी। वो आरोपी अभी फरार बना हुआ है, रॉकी आदित्य सुरेखा, तो उसी के माध्यम से मुझे धमकियाँ लगातार दे रहे हैं। यदि उनको गिरफ्तार करके जेल में नहीं डाला जाता तो या फिर हम लोग को गिरफ्तार करके जेल में डाल दें, या फिर हमारे घर वालों को, यदि एक भी जन को कोई को भी खरोच आ गई तो उसका जिम्मेदार रॉकी सुरेखा या पुलिस प्रशासन ही हो। तो मेरा निवेदन है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, बस यही मांग है। सर, बहुचर्चित है बांसा ट्रिपल हत्याकांड मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार होने की सूचना मिली है, क्या है सर? आज अपने पास सुबह ये सूचना आई थी कि जो इसमें फरार आरोपी है मोनू, उसकी लोकेशन दमोह के आसपास के क्षेत्रों में होने की संभावना है। हमारी टीम जो थी वो ऑलरेडी उनको पकड़ने के प्रयास में थी। आज ये सूचना मिलने के बाद हमारी टीम रवाना हुई और जो अपने पास साइबर की और बाकी इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन मिली थी उसके आधार पर हमने गढ़ाकोटा से इसको गिरफ्तार किया है और इसमें अभी इससे पूछताछ चल रही है और जो अपराध के संबंध में तथ्यों का सत्यापन होना है। जो पूर्व पकड़े गए आरोपियों ने जो स्टेटमेंट्स में और मेमो में इंफॉर्मेशन दी है उसके सत्यापन के संबंध में इससे पूछताछ जारी है। हमारा प्रयास किया जाएगा कि इसको कल हम कोर्ट पेश करें और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इसकी पुलिस रिमांड भी लेंगे। सर, कोई हथियार वगैरह भी पकड़े इसके पास? अभी तक तो इसके पास से कुछ बरामदगी नहीं हुई है, पर अभी पूछताछ और मेमो में अगर कोई चीज़ इस प्रकार की उसके स्टेटमेंट में आती है तो उसकी शिनाख्ती पर उसकी बरामदगी हम ज़रूर करवाएंगे और अगर
जरूरत पड़ती है जैसा मैंने बताया तो हम पुलिस रिमांड भी लेंगे, उसके बाद अगर और कुछ इसमें चीज़ बरामद होगी तो उनको शामिल किया जाएगा। सर, एक मुख्य और आरोपी है जो चर्चित है बिल्डर रॉकी से लेकर, उसका क्या है सर लोकेशन, अभी तक पुलिस को कुछ मिली है जानकारी? नहीं, अभी तक इसमें हमें सफलता नहीं मिली है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उसके सगे संबंधियों, उसके परिवार के लोगों, उसके करीबियों की उनसे पूछताछ की गई है। पिछले कुछ दिनों में कई लोगों को थाने पर बुला के भी पूछताछ की गई है, पर अभी इसमें उसके वेयर अबाउट्स के बारे में या उसकी कहीं किसी ट्रांजैक्शन के बारे में या कहीं से किसी प्रकार की सूचना के बारे में हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। हमारा प्रयास ये है कि उसकी फरारी में जितनी भी वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं उनको हम पूरा करवा लें। कोर्ट से हमने CRPC के 82 और 83 की कार्रवाई जो होती है फरारी में वो लगभग पूर्ण कर ली है, उसमें वारंट इशू हो गया है। राजस्व विभाग को भी उसकी चल अचल संपत्ति के लिए हमने पत्र लिख दिया है, वो जानकारी प्राप्त होते ही हम इसमें कोर्ट की कार्रवाई शुरू करेंगे। इसके अलावा जो इनकी बिल्डिंग की बिल्डर कंपनी की लाइसेंसेज हैं उसके संबंध में भी रेरा को पत्र लिखा गया है कि अगर कोई लीगल इनके पास लाइसेंस उपलब्ध है तो इस अपराध के बाद उसको कैंसिल किया जाए और जितने भी प्रकार के इनके अवैध और निर्माण उनकी भी जानकारी राजस्व विभाग से मांगी गई है। और कलेक्टर साहब से मैंने इसमें निवेदन किया है कि नगर पालिका और SDM के माध्यम से जो भी इस तरह की जानकारियाँ आती हैं अवैध निर्माण की उनको हम लोग उनको वैधानिक कार्रवाई करते हुए उन पर बुलडोजर चलाया जाए और इस प्रकार के जितने भी इनके अवैध निर्माण हैं उन पर कार्रवाई की जाए। वो बच्चियों वाला और अपडेट दे दें। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।